हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 7:05 और हम तो फिलहाल अब देख पा रहे होंगे रेडी वगैरह हो गए हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज मेरा मतलब बताएंगे थे कल कि कैसे भी आज जाना है क्लास, तो वही अभी जाएंगे स्कूल। बाकी कुणाल भी चला गया बस स्टैंड पे, उसका भी बस आएगा अभी, तो समय उसका भी 10 मिनट है आने में, अभी तुरंत क्या है तो आएगा। फिलहाल तो हम भी निकलेंगे अच्छा 5-10 मिनट, क्योंकि 7:30 तक क्लास रहता है, 7:30 तक तो पहुँचेंगे। मम्मी गाइस पेपर पढ़ रही है बैठ के, और देखिए गुनाल यहाँ से दिखता है कि नहीं, यहीं पे खड़ा रहता है, नहीं है अभी नहीं दिखा है, उधर खड़ा हुआ किनारे, और जाते हैं स्कूल, देखते हैं क्या होता है वहाँ। और फिर आज क्लास कोचिंग भी है, तो कोचिंग भी जाना है, तो गाइस चलिए उतर जाए स्कूल और आके मिलते हैं स्कूल से। गाइस फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 11 और हम तो फिलहाल स्कूल से घर आ गए हैं, और नहा हुआ भी लिए मस्त नहाना बचा हुआ था, तो तैयार हो गए, पूजा पाठ हो गया सब चीज़। तो गाइस आज आने में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि ठीक ठाक कर रहे थे, मतलब बारिश बहुत हो रहा था गाइस उधर, तो छुट्टी तो हो गया था 9:30 में, लेकिन निकलते निकलते हमको 1/2 घंटा 40 मिनट लगा। देखिए बारिश अभी भी हो रहा है, दिखाते हैं, देखिए टिप टिप बरस रहा है पानी, और उस समय तो बहुत तेज़ हो रहा था, अब तो बहुत धीमा हुआ है। देखिए पानी में दिक्कत है ना, तो उस समय तो बहुत तेज बारिश हो रहा था, अब तो बहुत ज्यादा घट गया, नहीं तो लगातार 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत तेज बारिश हुआ, तो उसके चलते निकल ही नहीं पा रहे थे, बहुत देर वहीं स्कूल में खड़ा रहे, इंतजार किए कि बारिश रुके, तब निकले, तो निकलते निकलते बज गया 10:30, मतलब 10 बज गया तो निकले, फिर आए यहाँ 10:30 बजे पहुंचे, फिर नहाए हुए तो जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि बहुत भूख बहुत तेज लगा हुआ है गाइस, और दादी भी आज फिलहाल नाश्ता वगैरह कर ली है, किचन में कुछ काम कर रही है, नाश्ता वगैरह इनका भी हो गया पूरा, अब जाते हैं हम भी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलते हैं, क्योंकि बहुत तेज भूख लगा हुआ है गाइस। गाइस फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 7:12 और मेरा नाश्ता वगैरह हो गया गाइस, और यहाँ दादी आके सो गई बस नींद में डेली की तरह, और फिलहाल तो अभी बारिश हो रहा है, तो हमको मार्केट जाना है, दवाई वगैरह कुछ कुछ लाना है मम्मी का, और अपना खांसी वगैरह हो गया ना हल्का फुल्का उसी का, तो वो लाने जाना है, यहाँ मम्मी भी आराम कर रही है, तो जाते हैं मार्केट, पता नहीं रिकॉर्डिंग कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बारिश हो रहा है, तो छाता लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड कर पाएँ, लेकिन चांसेस कम है। चलिए तो गाइस फिलहाल तो हम मार्केट निकल चुके हैं और बारिश हो रहा है, हम तो छाता के नीचे से ब्लॉग बना रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ सिर्फ पानी पानी, इतना बारिश हुआ है कि एकदम पूरा बारिश से हालत खराब है गाइस इधर का, तो रोड भी देखिए अभी सन्नाटा है, सन्नाटा तो नहीं है तो फिर भी कम भीड़ भाड़ है, संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम खराब तरह चप्पल पहन के आ गए हैं, तो डर भी लग रहा है कि फिसल ना जाए। चलिए जल्दी जल्दी संभाल लेते हैं, फिर घर चला जाएगा। गाइस फिलहाल तो अब मार्केट से वापस आ गए हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं बना पाए क्योंकि बारिश हो रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था दोनों चीज़ें के साथ हैंडल करना, तो अब जा रहे हैं गाइस थोड़ा देर आराम करेंगे, जब तक कुणाल आएगा तब तक काफ़ी ज़्यादा थक गए, स्कूल गए फिर ये लाने गए, तो बस अब थोड़ा सा नींद आ रहा है, सोएंगे थोड़ा देर। बाकी गाइस बहुत ज़्यादा थी लग रहा का पूरा थैला वगैरह गंदा हो गया, जो जिसमें सामान लग रहा है इतना भारी था, दवाई तो लाया और फिर एक दो सब्जी था तो भारी हो गया पूरा, उसके वजह से पूरा वो गंदा हो गया, हम तो एक गाँस होगा कार चलाने आता तो मस्त कार निकालते और जाते ऐसे, लेकिन लाइसेंस तो था नहीं तो ऐसे भी नहीं जा पाते, लेकिन मतलब बस सोचते हैं, सोचने में क्या जाता है, पैसा तो लगता नहीं है सोचने का, सोचने का पैसा लगेगा तब ना फिर कोई प्रॉब्लम है, फ्री है सोचना इससे तो सोच लिए, बाकी फिर भी सोचे साइकिल से जाते तब भी नहीं करना होता, बैग में रख लेते मस्त आते आराम से, लेकिन बारिश के बारिश से तो कुछ किया नहीं जा सकता है, नेचुरल फेनोमेनन है, तो चलिए आराम करते हैं हम भी थोड़ा देर। तो गाइस फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 3:30 और हम तो सो के उठ गए, और अब जा रहे तैयार होने कोचिंग के लिए, और मौसम जैसा देख पा रहे हैं बारिश अभी नहीं हो रहा है, तो जल्दी तैयार होके निकलेंगे, तो
छाता होता नहीं ले जाना पड़ेगा, और बारिश शुरू हो गया तो फिर छाता ले जाना पड़ेगा, तो जल्दी से तैयार होते हैं गाइस। बाकी यहाँ मम्मी और कुणाल सोए हुए हैं नींद में, दादी बस उठी हुई है, सोई नहीं है, लेट बैठ आराम बस कर रही है, सोई भी नहीं है वो आज, कल खूब सोई लेकिन। चलिए गाइस जब जल्दी से तैयार हो जाते हैं, नहीं तो फिर बारिश होने लगेगा। तो गाइस फिलहाल तैयार हो गए हैं जाने के लिए, तो हम निकलते हैं और आके मिलते हैं आपसे सामने, देखते हैं, चलिए आते हैं। तो गाइस फिलहाल भी टाइम हो रहा है 12:30, और हम तो कोचिंग से वापस आ गए थे गाइस, और डिनर वगैरह कर लिए थे, और अभी जैसा आप देख पा रहे होंगे काफ़ी रात हो गया। हम बैठ के कुणाल का प्रोजेक्ट बना रहे थे गाइस, तो देखिए यही प्रोजेक्ट बना जिसमें इतना समय हम बर्बाद कर के, एक बार मतलब इतना समय लगा जिसमें हमको, नीचे ला के दिखाते हैं। ये है झूला है पूरा अथी से बना हुआ, क्या कहते हैं आइसक्रीम स्टिक से पूरा बना हुआ, पूरा 2 घंटा लगा, एक 2 घंटा, हाँ 10 बजे अप्रॉक्स बैठे थे, और 12 बज गया था, 12:30 हो गया बनाते बनाते। और देखिए सामान सब भी इतना कुछ फैला हुआ है, सब चीज़ सरियाना पड़ेगा। यहाँ सो गए तो लोग बस नींद में सोए हुए हैं, वहाँ मम्मी पापा लोग भी सो गए, हम ही ये सब में लगे हुए थे। देखिए पूरा सामान फैला हुआ है, झाड़ू सब देना पड़ेगा, बहुत गंदा हो गया है। यही है कोई भी ग्राफ्स वगैरह काम नहीं करना पड़ेगा जाके, लेकिन बहुत दिन बाद किए तो अच्छा भी लगता है सारे द्वारा। तो फिलहाल तो अभी हम एडिटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बज जाएगा, तो सोते वैसे एडिटिंग करने बैठेंगे तो सोते सोते 1 बज जाएगा। बाकी आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया है, इसके लिए सॉरी, क्या करें, कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हो पाता है दिन भर में उतना जितना बना पाते हैं बना लेते हैं। अब पता है लेकिन ये देख रहे होंगे ये ग्लू गन का ग्लू है, इसको मतलब स्टार्टिंग में ख़रीदा हुआ ग्लू अगर आप देखे होंगे तो कितना बड़ा रहता है, उतना बड़ा से यूज करते करते खाली इसको बनाने के लिए पूरा ग्लू बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब पूरा यूज हो गया पूरा। ऐसे कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है, बहुत मेहनत लगा है, जानते ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि देखिए असल में ना सामान वगैरह भी कम पड़ गया, हमको पता नहीं था इसके बारे में पहले से, फिलहाल अपने लाया मार्केट से जाके, हम कोचिंग से नहीं आए थे उस समय, स्टिक उस्टिक ले आया, और हमको अगर पता रहता तो हम ज़्यादा लाते, तो स्टिकिंग घट गया बहुत सारा घट गया, तो माचिस को जोड़ जोड़ के बनाए, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा, लेकिन मज़ा बहुत आया सही बोल तो, मतलब काफ़ी दिन बाद ये क्राफ्ट वगैरह वाला काम किए तो आनंद आ गया पूरा। बाकी चलिए अब जल्दी से इसको समेटते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस फिलहाल तो सब चीज़ सरिया लिए, देखिए साफ सफाई पूरा कर दिए मस्त, अब झाड़ू उड़ू हल्का फुल्का दे दिए, ज़्यादा कुछ नहीं किए, और बाकी मम्मी अब कल सुबह करेगी, हम बोलो नींद आ रही थी सो जाते, आज सुबह ही उठे थे, अब दोपहर में भी जा रहे थे नहीं, मतलब सोए थे 1 घंटा सोए थे नहीं, फिर भी रात में ना थकावट हुआ है तो दिन नींद तो आए नहीं, तो अब सो जाते हैं, एडिटिंग कल ही करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, तो होप यू लाइक द ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाय बाय, गुड नाइट।